नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टेबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के टेस्ट और उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के बारे में, मतलब कौन सा टेस्ट कहाँ पे होता है, किस डिपार्टमेंट में होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आगे देखें। इससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में कि हीमेटोलॉजी में कौन कौन सा टेस्ट होता है और हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है। तो हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट एक पैथोलॉजी का ब्रांच है और यहाँ पे हम लोग ब्लड और उससे रिलेटेड डिजीज़ का स्टडी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा सैंपल हम लोग यूज़ करते हैं, तो होल ब्लड सैंपल यूज़ करते हैं स्पेसिमेन के लिए, ठीक है। और ये जो हम लोग होल ब्लड लेते हैं, ये हम लोग एंटीकोगुलेटेड वाइल्स में लेते हैं, ये नहीं कि प्लेन वाइल्स में, ये हम लोग एंटीकोगुलेटेड वाइल्स में लेते हैं, और जो कि होल ब्लड हम लोग यूज़ करते हैं स्पेसिमेन के रूप में। और यहाँ पे कौन कौन सा टेस्ट होता है सबसे पहले देख लेते हैं। तो टेस्ट में यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड काउंट होता है, इसमें RBC और WBC का काउंट होता है, प्लेटलेट्स, DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हीमोग्लोबिन टेस्ट आखिर क्यों किया जाता है। देखिए, हीमोग्लोबिन टेस्ट जब भी पेशेंट को वीकनेस हो या फिर हीमोग्लोबिनोपैथीज हो, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो, उसको हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं, या फिर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया हो, तो हीमोग्लोबिन का टेस्ट करने बोलते हैं डॉक्टर। तो हीमोग्लोबिन आखिर होता क्या है, ये तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये टेस्ट करते क्यों हैं, जनरली हम लोग एनीमिया को चेक करने के लिए करते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, और इससे ये पता चलता है कि पेशेंट को एनीमिया है या नहीं है। नेक्स्ट हो गया ब्लड सेल काउंट। ब्लड सेल काउंट में क्या, ये RBC, WBC, प्लेटलेट्स और DLC, ये सब क्यों करते हैं, तो ये पेशेंट के हेल्थ के ओवरऑल इवोल्यूशन के लिए किया जाता है, या फिर किसी डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा कि ये कभी कभार होता क्या है, RBC सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, डिक्रीज़ कर जाते हैं, और ये ल्यूकेमिया के डिटेक्शन के लिए भी WBC टेस्ट हम लोग करते हैं। और डिफरेंशियल काउंट जो हम लोग करते हैं, इससे क्या पता चलता है, इसे इन्फेक्शन के बारे में भी पता चलता है। आप देखे होंगे कि किसी को अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुआ होगा तो न्यूट्रोफिल काफ़ी बढ़ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें टेस्ट होता है, ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, यानी ESR। ESR क्यों किया जाता है, तो ESR जनरली नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। आप इससे अक्सर TB से रिलेट कर सकते हैं, TB में बहुत ज़्यादा ESR गिर जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ डिपार्टमेंट और उसमें होने वाले टेस्ट के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसके बारे में भी और डिटेल्स आपको बताऊँगा किसी और वीडियो में। नेक्स्ट हो गया ये कोगुलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। कोगुलेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जनरली जो स्पेसिमेन यूज़ करते हैं, ये होल ब्लड स्पेसिमेन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पे BT CT किए जाते हैं, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, PT और APTT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और यहाँ पे टेस्ट FDP भी होता है, FDP SA, यानी फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट SA। तो सबसे पहले बात की ये BT CT टेस्ट क्यों करते हैं। BT CT टेस्ट प्लेटलेट के फंक्शन को चेक करने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी का ऑपरेशन होने वाला है किसी पेशेंट का, तो डॉक्टर उसको BT CT का टेस्ट लिखता है, ठीक है। और ये PT और APTT क्यों करते हैं। PT जनरली देखिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है, या फिर आप जानते होंगे किसी को क्लॉटिंग फैक्टर्स का प्रॉब्लम्स होता है, तो ये PT और APTT टेस्ट करने बोलते हैं। या फिर किसी को अगर ब्लड थिनिंग ये चल रहा होगा, मेडिकेशन चल रहा होगा ब्लड थिनिंग, जैसे वारफेरिन का डोज चलता है, तो भी ये डॉक्टर पेशेंट को क्या बोलते हैं, ये PT टेस्ट करवाने बोलते हैं कि मेडिकेशन जो चल रहा है ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए। दोस्तों, ये जो PT और APTT में जो क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब हम लोग एसेस करते हैं, फंक्शन को चेक करते हैं, तो चूँकि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सब तो लीवर में उसका ये होता है, फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे बनते हैं, तो इससे जनरली हम लोग
लीवर के फंक्शन के बारे में भी पता कर सकते हैं कि लीवर किस तरह से फंक्शन कर रहा है। हालांकि लीवर फंक्शन टेस्ट उसका पूरा अलग एक प्रोफाइल है। नेक्स्ट हो गया ये FDP-SA। FDP-SA मतलब क्या? फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऐसे। इसको क्यों करते हैं? तो जनरली इसको डेसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन डिसीज जो होता है इसको डायग्नोस करने के लिए करते हैं। और ये डेसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है क्या? तो ये एक कंडीशन है जिसमें बॉडी का नॉर्मल जो ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस है ये डिसरप्ट हो जाता है। तो इसके डायग्नोसिस के लिए ये FDP-SA टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ये ब्लड बैंक। ब्लड बैंक ये डिपार्टमेंट क्या है? तो देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, बैंक ब्लड बैंक, तो यहाँ पे ब्लड को स्टोर किया जाता है और ब्लड का जो कंपोनेंट है इसको सेपरेटली भी स्टोर किया जाता है। जैसे RBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, WBC हो गया, ये इसको सेपरेटली भी यहाँ पर स्टोर किया जाता है। पेशेंट को यहाँ से ब्लड डोनेट किया जाता है, ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्पेसिमेन हम लोग यूज़ करते हैं ये होल ब्लड होता है और क्लोटेड ब्लड दोनों यूज़ करते हैं। टेस्ट के रूप में देखिए यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट होते हैं। यहाँ पर ब्लड ग्रुपिंग होता है, ब्लड टाइपिंग होता है, कॉम्पिटिबिलिटी टेस्ट होता है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनकॉम्पिटिबल एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है। ब्लड ग्रुपिंग में करते क्या है, क्यों करते हैं ब्लड ग्रुपिंग? तो देखिए यहाँ पे ये पता करने के लिए किसका की जो डोनर है या पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो इसमें AB या फिर O जो ब्लड ग्रुप होता है तो ये सब हम लोग पता करते हैं। और उसके बाद जो ब्लड टाइपिंग होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी या फिर एंटीजन, ठीक है, इसका हम लोग पता करते हैं। उसके बाद जो ये कॉम्पिटिबिलिटी टेस्ट होता है यहाँ पे इसको क्रॉस मैचिंग किया जाता है और इसमें पेशेंट का सीरम लेते हैं, और जो डोनर का है उसका RBC लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मैचिंग करके ये कॉम्पिटिबिलिटी टेस्ट करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनकॉम्पिटिबल एंटीबॉडी टेस्ट होता है। नेक्स्ट ये डिपार्टमेंट जो बायोकेमिस्ट्री है ये क्या है? बायोकेमिस्ट्री में देखिए जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है इसका यहाँ पे बायोकेमिकल एनालिसिस किया जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग स्पेसिमन यूज़ करते हैं ये जनरली सीरम होता है। और आपको पता है सीरम हम लोग क्लॉटेड ब्लड को क्लॉटेड ब्लड से हम लोग सेपरेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो जो टेस्ट होते हैं बायोकेमिस्ट्री में क्या होते हैं कि यहाँ पे रूटीन बायोकेमिकल टेस्ट जो होता है शुगर, फास्टिंग और PP होता है। तो फास्टिंग में करते क्या, इसमें पेशेंट को खाली पेट में ब्लड लेने को रहता है और PP जो होता है ये खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है, ये जनरली जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है पेशेंट में इसको मॉनिटर करने के लिए। जैसे जनरली ये डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं जिनको शुगर जो पेशेंट हैं उनको बार बार ये टेस्ट करना पड़ता है कि जो मेडिकेशन जो चलाते हैं डॉक्टर वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनका ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको चेक करने के लिए। और उसके बाद जो यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर में क्या क्या आता है, इसमें ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, टोटल STL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है। तो ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जनरली होता क्यों है, तो ये कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ होते हैं उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पर ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड देखिए ये एक प्रकार का ये एक फैट है, ठीक है, और जब भी ये राइज़ कर जाता है ब्लड में इसका लेवल तो क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट हो गया ये KFT। KFT क्या है, KFT मतलब हो गया किडनी फंक्शन टेस्ट। और इसके अंडर में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो इसके अंडर में क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये सब टेस्ट आते हैं। तो ये क्रिएटिनिन है क्या, मतलब क्यों करते हैं क्रिएटिनिन? सबसे पहली बात तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है और ये बनता कैसे है, हमारे मसल्स में जो क्रिएटिन होते हैं इनका जब ब्रेक डाउन होता है तो ये क्रिएटिनिन बनता है। और देखिए क्रिएटिनिन टेस्ट क्यों करते हैं, तो किडनी का जो वर्किंग स्टेटस है इसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग क्रिएटिनिन टेस्ट करते हैं। उसके बाद हो गया ये यूरिया। यूरिया भी क्या है, यूरिया टेस्ट, यूरिया भी हमारे बॉडी का क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये जो क्रिएटिनिन और यूरिया टेस्ट है ना, इसको कोई भी मतलब किडनी डिजीज़ होता है तो उसको डायग्नोस करने के लिए यूरिया और क्रिएटिनिन टेस्ट करते हैं। और अगर किसी पेशेंट को एक्यूट या फिर कोरोनिक किडनी डिसी फंक्शन या फिर किडनी डिसऑर्डर्स होंगे तो भी हम लोग क्या करते हैं, ये क्रिएटिनिन और यूरिया टेस्ट किया जाता है।
उसके बाद ये यूरिक एसिड टेस्ट। यूरिक एसिड टेस्ट क्यों करते हैं, तो इसको जो गाउट होता है ना उसको डायग्नोस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं। या फिर किसी को रिकरेंटली किडनी स्टोन हो रहा है, मतलब बार बार किडनी स्टोन हो रहा है, तो यूरिक एसिड टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ये हो गया सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड, ये सब क्या है, देखिए ये सब मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ये करता क्या है, हमारे बॉडी में जो वाटर बैलेंस है इसको मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट हो गया ये LFT। LFT क्या होता है, LFT मतलब हो गया लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। LFT के अंदर में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, SGPT यानी सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेस, या फिर इसको हम लोग ALT बोलते हैं, एलिनिन ट्रांसएमिनेस। और नेक्स्ट हो गया ये SGOT मतलब हो गया सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलोएसिटिक ट्रांसएमिनेस, इसको हम लोग AST भी बोलते हैं। उसके बाद हो गया ये एल्केलाइन फॉस्फेट बिलरुबिन टोटल और डायरेक्ट, ठीक है। तो ये जो SGPT और SGOT टेस्ट होता है, ये जब भी ब्लड में ये राइज कर जाता है इसका वैल्यू, तो लीवर डैमेज को ये दर्शाता है। उसके बाद ये जो एल्कलाइन टेस्ट, एल्कलाइन फॉस्फेट हो गया, एल्कलाइन फॉस्फेट मतलब लीवर जो डिजीज़ होते हैं उसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है, या फिर कभी कभार बोन डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके लिए भी किया जाता है, बाइल डक्ट्स में ब्लॉक होते हैं उसके लिए भी किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी टेस्ट है ना, ये सब लीवर फंक्शन के लिए ही किए जाते हैं। उसके बाद हो गया ये बिलरुबिन टोटल और डायरेक्ट, तो बिलरुबिन किस लिए किया जाता है, टोटल और डायरेक्ट, ये सब जनरली जॉन्डिस के टेस्ट के लिए किया जाता है, या फिर लीवर डिजीजेस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हो गया ये क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो हम लोग स्पेसिमेन यूज़ करते हैं, ये यूरिन स्पेसिमेन यहाँ पे यूज़ करते हैं, और इसका जो केमिकल टेस्ट होता है यूरिन का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कलर देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, pH, एल्कलाइन है कि एसिडिक है, प्रोटीन प्रजेंट है कि एबसेंट है, ग्लूकोज प्रजेंट है कि एबसेंट है, कीटोन ये भी प्रजेंट है कि एबसेंट है, ये देखते हैं। देखिए ग्लूकोज होता है क्या, जब भी मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है उससे जब भी इंक्रीज कर जाता है तो ग्लूकोज यूरिन में भी आने लगता है। उसके बाद ये इसका जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें ल्यूकोसाइट स्ट्रेस सेल्स देखते हैं, RBC देखते हैं, पस सेल्स WBC के, और जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसको भी यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्रिस्टल्स जो प्रेजेंट हैं कि नहीं है, ये सब भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टूल का भी एग्जामिनेशन किया जाता है, इसमें स्पेसिमेन में स्टूल ही लगता है, और इसमें जो जनरली टेस्ट किया जाता है, इसमें ऑकुल्ट ब्लड टेस्ट किया जाता है। ऑकुल्ट मतलब होता है हिडन, इसमें RBC प्रेजेंट हो है कि नहीं है ये चेक किया जाता है, यहाँ पे स्टूल में प्रेजेंट है कि नहीं ब्लड, ये टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ये हो गया माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पे जनरली मतलब डायग्नोस किया जाता है बैक्टीरिया का कल्चर करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेसिमेन यूज़ किया जाता है, ये थ्रॉट स्वाब हो गया, उंड स्वाब हो गया, ईयर स्वाब, ब्लड, यूरिन, स्पाइनल फ्लूइड, स्पूटम, स्टूल, ये सब यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये जनरली यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट, पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर माइकोटिक एजेंट्स या फिर पैरासाइट्स का क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कल्चर के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे लैब के कुछ टेस्ट जो, और उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे होता है। दोस्तों ये एक ओवरव्यू है सारे टेस्ट का, और इसके डिटेल्स में भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।